आजकल आप सब जानते हैं कि सभी लोग ज़्यादातर एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि जब से अमेजन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, आजियो जितने भी ई कॉमर्स साइट हैं इन्होंने अपना एफिलिएट प्रोग्राम निकाला है तो इनकी सेल तो बढ़ ही गई है, क्योंकि सारे लोग वेबसाइट पर जाकर खरीद लेते हैं, ऐप से जाकर खरीद लेते हैं, और जो लोग नहीं खरीद पाते हैं उनको लोग एफिलिएट प्रोग्राम के जरिए बताते हैं तो वो लोग वहाँ से खरीदते हैं, तो इनकी सेल तो बढ़ ही गई है। जो बीच के लोग थे जो एफिलिएट चलाते हैं उनको भी कुछ ना कुछ कमीशन मिल जाता है, और आपको पता है कि यहाँ पर कमीशन 1% से लेकर मैक्सिमम 10% होता है, यानी जितनी महंगी चीज़ होगी तो उतना कमीशन कम होता जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ एक ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर आपको 90% मिलने वाला है, यानी आप किसी को 100 रुपये की चीज़ बेचते हैं तो आपको 90 रुपये मिलने वाले हैं, और इसमें खास बात है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, इसमें केवल आपको इस एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में बताना है तो उसका आपको 90% मिलने वाला है। बाकी ई कॉमर्स साइड है उसमें आपको प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अगर उसमें आप किसी को शूज़ बेचते हैं, सेल करते हैं, अगर वो 5,000 के हुए या 2,000 के हुए तो उसका 2% 3% आपको मिल जाएगा, लेकिन इस वाले प्रोग्राम में कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस प्रोग्राम के बारे में लोगों को बताना है, और बाय प्रोग्राम लोग ज्वाइन करते हैं, सीखते हैं उससे तो उसको 90% कमीशन मिल जाएगा, और वो किसी और को बताते हैं, लोगों को सिखाते हैं तो उसका आपको 10% मिलने वाला है, यानी आपको जो लोग और भी काम करेंगे तो उसका भी आपको पास परसेंट आने वाला है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो 90% कमीशन देता है, इसके लिए हम बनाएंगे अगला वीडियो जिसमें 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, उसमें मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, सारा एक्सप्लेन करके दूंगा। ये मेरा इंट्रोडक्शन था कि आपको इसके बारे में बताया जाए, आप ज्वाइन हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जो अगला वीडियो आए इसका सेकेंड पार्ट तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप भी सीख सके 90% किस तरीके से कमीशन लेना है, वो भी कोई बिना प्रोडक्ट सेल किए। बस जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए।